वालों को अनिरुद्ध करेंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या आरटीओ का काम है ट्रकों का परमिट और ओवरलोडिंग जैसी कई बातों की छानबीन करना, लेकिन आरटीओ चेक पोस्ट पर अवैध वसूली करने वालों को अगर रुपए दे दिए जाएं, तो हाईवे पर ट्रक की कोई छानबीन नहीं होती, चाहे ट्रक में तस्करी का माल, हथियार या फिर नशे का सामान ही क्यों ना लदा हो। तहकीकात के दौरान हम पहुंचे महाराष्ट्र की सीमा से लगे नेशनल हाईवे नंबर 3। यहां आरटीओ कर्मचारियों को रिश्वत की रकम दिए बगैर ट्रक वालों को गेट पास तक नहीं मिलता। तहकीकात के दौरान हम पहुंचे मध्य प्रदेश के मुलतई और हवासा चेक पोस्ट। ये दोनों चेक पोस्ट महाराष्ट्र की सीमा से लगे हैं। हवासा चेक पोस्ट से होकर गुजरता है नेशनल हाईवे नंबर 7। 2500 किलोमीटर लंबी ये सड़क 6 राज्यों से होते हुए वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। इस हाईवे से हर रोज हजारों ट्रकों की आवाजाही है, लेकिन इस हाईवे के खवासा चेक पोस्ट पर भी हर रोज अवैध वसूली होती है। ट्रकों के नंबरों की लिस्ट और हर महीने की रिश्वत की मोटी रकम के बगैर यहाँ से भी गुजरना आसान नहीं। इस बात की तहकीकात के लिए हमने खवासा चेक पोस्ट के छोटे से काउंटर पर बैठे कर्मचारी से बात की। हमने कहा कि हमारे पास 16 ट्रकों के नंबरों की लिस्ट है। हमारी बात सुनकर काउंटर पर बैठे MD मिश्रा नाम के कर्मचारी ने हमें काउंटर के पीछे बने दफ्तर में बुलाया। आरटीओ कर्मचारी ने हमसे 16 ट्रकों के लिए 16,000 रुपए लिए, मतलब हर ट्रक की एक महीने की बेरोक टोक आवाजाही के लिए 1,000 रुपए। एक बार दो गाड़ियां कम है ना, ये 16 गाड़ियों की है, 16,000। आरटीओ चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों का काम तो हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की निगरानी करना है, लेकिन इन्हें बस एक ही फिक्र है कि कोई भी गाड़ी बिना पैसे दिए चेक पोस्ट से पार ना हो पाए। हमारी तहकीकात जारी थी। हमारी टीम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले NH-69 पर पहुंच चुकी थी। इसी हाईवे पर है मुलतई चेक पोस्ट, जहां के चेक पोस्ट पर भी कूपनों के जरिए अवैध वसूली बेरोक टोक जारी है। हमारे साथ कोई ट्रक नहीं था, लेकिन हद तो तब हो गई जब इस चेक पोस्ट पर मौजूद एक कर्मचारी ने गाड़ी देखने तक की जरूरत नहीं समझी। रेलवे क्रॉसिंग के इस तरफ क्रॉसिंग बंद है। हमारे पास न तो कोई ट्रक था और न ही चेक पोस्ट पर मौजूद कर्मचारी ने ट्रक देखने की सहमत उठाई। उसने हमसे 400 रुपए लेकर एक कूपन थमा दिया। ये कूपन चेक पोस्ट से गुजरने का माफिया टैक्स था, ऐसा टैक्स जिसे चुकाने के लिए सैकड़ों ट्रक मालिक मजबूर है। आरटीओ जो है हमारी गाड़ी को रोक देता है, या तो कूपन लो, किसी जगह 700 का कूपन है, किसी जगह 1200 का कूपन है। अगर हमारे ड्राइवर लोग अगर कूपन नहीं लेते तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। उसमें कई बहाने बना दिए जाते हैं, भाई तेरा परमिट जाली है, गाड़ी हमारी 5-5 दिन रुक जाती है। देश के अलग अलग नेशनल हाईवे पर माफिया, आरटीओ के कर्मचारी, अफसर और दलालों की लूट का नेटवर्क फैला है। कहीं अवैध वसूली के लिए कूपन काटा जाता है तो कहीं महीना वसूला जाता है। तो क्या हाईवे पर करोड़ों की लूट का धंधा यूं ही चलता रहेगा? नेशनल हाईवे पर ट्रक वालों से अवैध वसूली का धंधा बेहद ही ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। कूपन और कोड वर्ड के जरिए हाईवे माफिया हर रोज ट्रक वालों से करोड़ों रुपए वसूल रहे हैं। वसूली का धंधा करने वालों ने अपनी मर्जी के नियम कानून बना लिए हैं। सब कुछ खुलेआम चल रहा है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सरकार ने नेशनल हाईवे पर चल रहे इस गोरख धंधे को रोकने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। एक और खुलासा, एक और सच और कई सवालों के जवाब। अगले हफ्ते कुछ और चेहरे होंगे बेनकाब। करने वालों को अनिरुद्ध करेंगे।